अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शहरियार एंड यू आर वॉचिंग प्रॉफिट स्टूडियो। सो फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं व्लॉगिंग करूँगा और दुनिया व्लॉगिंग के अंदर अब से मेरा नाम भी शामिल हो गया। एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए ट्रैवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रैवलिंग से आप मुख्तलिफ एरियाज़ एक्सप्लोर करते हो और आपका लोगों के साथ इंट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहे होते, तो आपकी लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग व्लॉग्स करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेंट क्रिएटर हैं, बट मेरी व्लॉगिंग जो है वो थोड़ी फिज़िकल फिटनेस की तरफ होगी। उसमें हम ट्रैवलिंग भी करेंगे, फूड भी एक्सप्लोर करेंगे और लेकिन ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो फिज़िकल फिटनेस की तरफ रहेगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं फिटनेस के रिलेटेड व्लॉग्स करूँगा, तो मैं डेली क्या व्लॉग मैं अपलोड किया करूँगा उसमें मैं अपनी डेली रूटीन शो किया करूँगा, किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर अभी बात की जाए तो मैं कोई बहुत स्पेशल लाइफ नहीं गुजार रहा और नॉर्मल रूटीन चल रही है मेरी। सुबह उठते हैं, अपनी जॉब पे जाता हूँ, जॉब से मैं वापस दोपहर को घर आता हूँ, उसके बाद मैं एक और सेकेंड जॉब पर जाता हूँ, उसके बाद घर आके इतने थक चुके होते हैं कि कुछ और करने का दिल नहीं करता। थोड़ा सा YouTube पे टाइम देता हूँ, YouTube को एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ जो है हल्का फुल्का अपनी फैमिली के साथ बैठ जाते हैं, डिनर करते हैं, थोड़ी आउटिंग करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन मैं इस लाइफ से थोड़ा सा सेट अप हो चुका हूँ क्योंकि मेरी ये लाइफ नहीं थी। आई वॉज़ अ स्पोर्ट्समैन, तो मुझे अपनी उसी रूटीन में वापस आना है जिस तरीके से मैं पहले था। अगर हम 3 साल पीछे जाएँ तो मैं कुछ इस तरह का दिखता था, लेकिन अब आप जो देख सकते हैं मैं काफ़ी बल्की हो गया हूँ, मेरे चीक्स जो हैं वो थोड़े मोटे हो गए हैं, बैली साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो मैं अपनी व्लॉगिंग जो है वो फिटनेस के रिलेटेड करूँगा और इसमें मैंने जो कुछ भी सीखा हुआ है रिगार्डिंग फिटनेस, जो मेरी गेम है उसके रिगार्डिंग मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली अजान होना शुरू हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो अपनी रोक दी। तो हम पंजाबी हैं और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम लोगों की डाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन टू से कि हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और हमारी फैमिलीज़ भी जो हैं वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा शौकीन लोग माने जाते हैं। इसमें हम देसी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं हम लोग, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं और मिल्क बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फैट्स जो हैं वो जल्दी कवर कर लेती है हमारी बॉडी को। तो ये अभी हमारे कुछ कबूतर जो हैं वो यहाँ पे हवा में उड़ भी रहे हैं और कुछ एक दो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मेरे कज़न ने रखे हुए हैं यहाँ पे कबूतर, उससे बहुत शौक़ है बर्ड्स का भी, तो मुझे भी बहुत शौक़ है बर्ड्स का और डिफरेंट एनिमल्स का। तो अब हम चलते हैं नीचे अपने अखाड़े की तरफ। ये जी हमारे एक खूबसूरत सा जो है वो डॉग है, ये अबैंडन कर दिया था किसी ने, पाल के रखा हुआ था, उसके बाद किसको रोड पे छोड़ दिया और मेरा कज़न इसे घर ले आया। अब ये हमारे पास यहाँ पे रह रहा है, बहुत खूबसूरत है। आजा, कम ऑन। ये हमारे पास यहाँ पे गिनिया फाउल्स भी हैं जो कि यहाँ पे फिर रहे हैं बड़े मज़े से। ये रहे, तो अब हम चलते हैं अपने अखाड़े की तरफ। तो ये हम पहुंच गए अपने अखाड़े के सामने। किसी दौर में यहाँ पे बहुत साफ़ पानी आया करता था और यहाँ पे हम नहाते भी होते थे और बहुत खूबसूरत व्यू आता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे हर जगह गंदगी के अंबार नज़र आते हैं। अभी LDS की सफाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे सामने। यहाँ पे ये देखिए आप, अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, और इसको अब नीट करेंगे, जैसे कि ये दरख्तों वाला एरिया उन्होंने थोड़ा थोड़ा नीट करना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने यहाँ पे बिल्कुल हमारा यहाँ पे सामने अखाड़ा है। ये LDA ने जो है वो इसका जो है वो रास्ता बंद कर दिया था, तो अब हम ये साइड वाला रास्ता यूज़ करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अखाड़े के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। Thank you.
और जब कभी भी मैं स्ट्रेस फील करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। ये सारे की सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, और यहाँ पे हवा इतनी साफ है कि इंसान को फील होने लग पड़ता है कि आप कुछ इनहेल कर रहे हो, फ्रेशनेस। और यहाँ पे सामने मेरे पास ये जहाँ से बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये लुगाठों के पौधे लगे हुए हैं वहाँ तक, ठीक है। और ये यहाँ पे एक जामुन का दरख्त है और आगे तक लुगाठें लगी हुई हैं। ये चारा उगा हुआ है भैंसों का, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ पे। और बिल्कुल सामने वहाँ पे जी हमारा अखाड़ा है, यहाँ पे रेसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो इसको बादाम रगड़ के बनाए जाते हैं, और रेसलिंग के बाद एक्सरसाइजेस कौन कौन सी की जाती हैं। एक खूबसूरत सा यहाँ पे पेट भी है। हाँ भाई, किधर जा रहा है? आजा, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? ओ तेरी, ओ घर बनाया हुआ इसने, इसके अंदर और क्या पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ अंदर गया हुआ है ये, इसने यहाँ पे घर बनाया हुआ है। आजा इधर आजा, ये देखिए वो जा रहा है अपने घर के अंदर। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ मैं इस एरिया के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपने देखा होगा किस तरीके से अखाड़े के अंदर ये सब पहलवान आपस में ट्रेनिंग करते हैं और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करते हैं, एक दूसरे को विदाउट इंजरी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।